क्या कहना चाहोगे, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? आई थिंक सबको उस गाने की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई. इनफैक्ट यू नो इट्स डूइंग रियली रियली वेल ऑलरेडी. बाय द टाइम वी आर टॉकिंग आई थिंक 3.5 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट, बट दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ वी यू नो लुक एट थिंग्स. इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग. इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग, यू नो, शॉर्ट इन अ रियली नाइस वे. दिस इज माई फर्स्ट एसोसिएशन विद सारेगामा, एंड स्टेबिन का गाना है. स्टेबिन ने बहुत अच्छा गाया है. And you know, if you've seen the song, it just celebrates the little things in life, and that's what really like, you know, what I really liked about the song. And Stebbins और आपकी जोड़ी की मैं बात करूँ, yeah, दोनों की जिस तरह की गाने आते हैं, लोग काफी पसंद करते हैं. तो जब भी मेकर्स आपको बोलते हैं Stebbins गाने पे है, तो आप सीधा टिक कर देते हो क्या गाना सुनते हो? Mostly you know ऐसे ही होता है. बट एक्चुअली अगर आप कोई बात बताता हूँ मैं Stebbins की, वो मेरे पास ऐसा गाना आने ही नहीं देता, यू नो, बिकॉज ही नोज कि ये उसका पार्ट है, एंड ही इज समबडी हु वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी. तो बारिश के टाइम पर भी दिस इज़ वॉट हिज थाट प्रोसेस वॉज, और इन्नी सी गर्ल के टाइम पर भी दिस इज़ वॉट हिज थाट प्रोसेस वॉज, कि यू नो हम जब भी एक साथ आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, हमारी एक यू नो कमराडरी है, यू नो इट्स. तो वो चीज़ यू नो, अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी Stebbins के लिए यू नो सबसे बेस्ट चीज़ें भेजूंगा. एज अ सिंगर तो वो है ही, कहने की जरूरत नहीं, इज़ वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन द कंट्री राइट नाउ. द मोस्ट डिमांड जिसकी है वो अभी Stebbins की है. अदर दैन दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंसियर पर्सन. He's a very well brought up person. He's a lovely human being. Yes. And Karan ji, मैं बात करूँ जिस तरह से आप Bigg Boss से निकले, जो भी एक साल पूरा हो चुका है, इस एक साल में काफी बदलाव as an actor मैंने आप में देखा है. अच्छा. काफी सारे गाने मिले, anchoring भी आपने की. How do you see the last one year for you? It's very different. Yes. Very blessed with the kind of way you know people are looking at me these days. Experiments करने को मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के, grateful enough, lucky enough कि मुझे अलग अलग टाइप के म्यूज़िक वीडियोज़ मिल रहे हैं, you know, जिसमें परफॉर्मेंस करने का स्कोप होता है, और बहुत ही डिफरेंट. अभी आप Stebbins के ही मेरे दो गाने देखोगे, बहुत ही अलग टाइप के किरदार हैं. बेचारी को इसके साथ, इन्हीं से गल के साथ कंपेयर करोगे, बहुत डिफरेंट है. अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है. एंड एज एन एक्टर आई थिंक Bigg Boss एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको खुद के बारे में बहुत पता चलता है. व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वाइब विद, व्हाट यू डोंट, व्हाट योर एनर्जीज आर राइट. वो जब आप उसको, जब आप व्हेन यू वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ, देन यू वेरी श्योर अबाउट द इमोशंस दैट यू पोर्ट्रेइंग. सो वो जरूरी है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है आप एक्सपेरिमेंट काफी करते हो. मैं Bigg Boss भी तो एक्सपेरिमेंट ही था बहुत बड़ा. उसके बाद से फिर डांस दीवाने वॉज एन एक्सपेरिमेंट, लॉकअप वॉज एन एक्सपेरिमेंट. बट जितनी शिद्दत से कोई चीज़ करोगे ना, जितनी अच्छी इंटेंशन से कोई चीज़ करोगे, तो वो आपको कभी पीछे नहीं लेके जाएगी. बट व्हाट इज द वन एक्सपीरियंस दैट यू हैव नॉट डन येट, कोई ऐसा चीज जो, कोई ऐसा जो इन फ्यूचर आप करना चाहो, अब तक नहीं किया? रियलिटी शो आपने किया है, झलक का काफी एंकरिंग भी आपने की है. तू बता दे क्या चाहता है, मैं क्या वही कर लूंगा. क्या छोड़ा, क्या मैंने बता? कुछ छोड़ा नहीं है, बट तो फिर अभी आपको नई चीज इजाज करनी पड़ेगी. कोई ऐसी चीज, यूट्यूबिंग कर ली हमने, कल मैं माइक लगा के व्लॉगर बना हुआ था, ठीक है, सोशल मीडिया कर लिया हमने, एंकरिंग कर ली हमने, रियलिटी शोज हर तरह के कर लिए, रोडीज कर लिए. अभी बता, तू बता. इवन द यूट्यूब की मैं बात करूं, मैं आपका व्लॉग्स कंटिन्यू फॉलो करता हूं. कार आपने ली थी, वो पूरा व्लॉग देखा, काफी अमेजिंग रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से, प्यार मिलता है. पैपराजी आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं आज के टाइम. वो तो फिर भाइयों का प्यार है. भाइयों का प्यार है, इतना प्यार मिलता है, किस तरह से देखते हो ये सारे प्यार को? I would say enjoy it till it lasts, as simple as that. और थोड़ा सा बात, थैंक यू. एक सेकंड, गाना के बारे, सॉन्ग पे इन्नी सी गर्ल. ओके, सो कमिंग बैक टू द सॉन्ग, इसी गर्ल मैंने देखा. हाँ हाँ, वही जाएगा, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना इन्नी सी गर्ल. तो इन्नी सी गर्ल की मैं बात करूँ, ट्रैकिंग वाला सीन था, कुछ आप बताना चाहोगे किस तरह से, स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे? इट्स बेसिकली
well, as I said, it's a very simple, sweet song. The music video also had to correspond to that. इन्नी सी गल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स में बहुत ही छोटी होती हैं और वही दैट्स द थिंग्स दैट यू शुड लिव फॉर. तो हमारा जो म्यूज़िक वीडियो है इन्नी सी गल वो भी वही सेलिब्रेट करता है. बट ऑब्वियसली क्योंकि सारे गामा का है और स्टेबिन का गाना है तो स्केल तो आपको फिर पता ही है. फिर यू नो दे हैव टू शो यू नो सो वी चोज कश्मीर एंड आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट सेटिंग फॉर अ सॉन्ग लाइक दैट. एंड बहुत मजा आया शूट करते हैं. एंड द एंड रिजल्ट इज आल्सो वेरी क्यूट और लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है. एंड इंडिपेंडेंट सॉन्ग की मैं बात करूँ, जिस तरह से चल रहा है ये इंडिपेंडेंट सॉन्ग का दौरा, क्या लगता है आने वाले समय में इंडिपेंडेंट सॉन्ग कितने और ऊपर तक रीच होंगे? 100% व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है. अभी मैं एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड यू नो हमारे एक्टर हैं उनके साथ बैठा था और हमें बात कर रहा था. तो मैं आई वॉज अप्रिशिएटिंग हमारे जो आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहा था. मैं बता रहा था, कुछ एग्जांपल्स दे रहा था. मैं कहा सर लुक एट दिस, विदाउट हैविंग अ शो, विदाउट हैविंग यू नो फिल्म और यू नो जो हम जब सेट पे जाते हैं हीरो बन के तो हमारे हेयर होता है, मेकअप होता है, DOP होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपको हीरो बनाते हैं. और आज की डेट में आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, दे हैव कम एंड यू नो दे हैव डन सो मच विद जस्ट देयर फोन्स. So they were like, he was like, this is not going to last. So you know, this is what I was trying to sell. ये आपकी नजरिए की बात है. मेरे हिसाब से फ्यूचर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स का है. दो सवाल आखिरी मेरे आपसे होगी. पहला सवाल ये है कि करण भाई शादी कब करोगे? So many people. हाँ. आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? Last one year you have inspired so many people. मैं भी काफी इंस्पायर्ड होता हूँ आपसे. आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? मैं बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ. मैं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ. आई ऑब्जर्व अ लॉट. मैं इंस्पिरेशन के लिए बहुत छोटी चीज़ों से भी इंस्पायर हो जाता हूँ. यू डोंट नीड टू यू नो सी यू नो लाइक यू नो अ बिग एस्टैब्लिश पर्सन फॉर इंस्पिरेशन. यू नो जब मेहनत की बात होती है तो मैं तेजू को देखता हूँ कि यार ये कितना मेहनत करती है. यू नो सो वो एक इंस्पिरेशन है. फिर भी यू नो ऐसे क्रैंकी नहीं होती है यू नो. या फिर पेशेंस की बात होती है तो मैं यू नो कितने दिस जस्ट सो मच ऑफ एवरीवेयर यू लुक यू विल सी पीपल हु आर इंस्पायरिंग. मैं पैप्स को देखता हूँ यू नो कितनी भागदौड़ करते हैं. वन डे आई रियलाइज कि मैंने सुबह कुछ किया और रात को 2:30 बजे तो वही अभी भी घूम रहे. मैंने पूछा भाई तुम सोए कब हो, तुम खाए कब, अभी तो तुम मिले थे, अभी कैसे पहुंच गए. एंड लुक एट व्हाट दे हैव डन, लुक एट व्हाट दे हैव डन फॉर अस यू नो. और ये अभी पिछले 2-3 साल में यू नो इट्स बिकम सच अ बिग थिंग. दिस इज देम वर्किंग रियली रियली हार्ड. मैं उस दिन एयरपोर्ट पे था तो मैंने बोला तुम्हें पता कैसे चला कि आज हम, तो उन्होंने बोला हमने कहीं सुन लिया और हम 10 बजे से बैठे हुए हैं. 3:30 बज चुके थे सुबह के. यू नो they are making us bigger stars. So that itself is an inspiration. Where do you not find inspiration? अरे पानी बहता हुआ देखो उसको, उसमें से inspiration आ जाएगी. एक आखिरी सवाल. अरे अभी तो बोला आखिरी सवाल. दो सवाल था उसमें एक ये हो गया और हाँ. ये आखिरी सवाल. Any upcoming project from your side? Any independent song or? See right now I think इन्नी सी गल is my you know the final project. Just you know the last जो हम shoot कर चुके हैं, films कर चुके हैं वो अभी आएंगी. But it's Diwali and I'm very glad ki Inni Sigal is releasing just before Diwali. Diwali hai to ek wish Diwali ki. A very 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 happy Diwali to all of your viewers, all of you people. Be safe and be kind. Thank you so much. Thank you.